सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमें जड़ से चेतन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। जबाला जबाला, आप इस समय? क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? भीतर मेरा पुत्र सो रहा है। तो क्या हम यहीं कहीं आसपास बैठकर कुछ देर बातें कर सकते हैं? नहीं आर्य। ठीक है, दो चार दिनों में ही मैं फिर वापस आऊंगा, तब शायद तुम मुझसे बात कर सको। ये आकाश में टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो सत्यकाम? क्या सोच रहे हो बेटा? काका सोच रहा था इस आकाश का अंत कहाँ है। अरे ये क्या सोचने लग गए बच्चा? कौन है वो जो पंखियों को उड़ाता है? पंखी हैं, उड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आग में ताप क्यों है? हम मल्लाह हैं, हमें इन सब बातों से क्या काम। बूंद बूंद से जल बनता है तो पशु पशु से, मनुष्य मनुष्य से क्या बनता है? मनुष्य कहाँ से आता है, मनुष्य कहाँ जाता है? अरे भाई, हमने तो माँ के पेट से आते देखा है और गंगा के पेट में जाते देखा है, इसके अलावा न कभी सोचा न कभी सूझा। एक बात बताओ काका, हम काहे नहीं पढ़ सकते? हमें कोई क्यों नहीं पढ़ाता? अरे तुम्हें पोथी पढ़कर करना क्या है, पेट ही तो भरना है। हम तुम्हें नाव खेलना सिखा देंगे, खूब नाव चलाना और पेट भर लेना। अगर पढ़ना सिर्फ पेट भरने के लिए होता तो फिर पढ़ने वाले ब्रह्मचारी भिक्षा क्यों मांगते हैं? ये तो हमने सोचा ही नहीं। दिन भर धूप में इधर उधर घूमता रहता है, शरीर कैसे तप रहा है। माँ, क्या मैं आग हूँ जो तप रहा हूँ? फिर वही उल्टी सीधी बातें। बताना माँ, ताप तो मुझ में भी है, तो क्या मैं आग हूँ? हाँ रे, तू आग भी है। आग तो सूरज में भी है, तो क्या मैं सूरज हूँ? तो मेरा सूरज भी है और मेरा चंदा भी। अब सो जा। तो लोरी सुनाना। शुद्ध सिरे तातन तेस्ति नाम कृतं च ये कल्पनयाधुनैवा पञ्चात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषिकस्य हेतोः नैवास्य त्वं रोदिषिकस्य हेतोः नैवास्य त्वं रोदिषिकस्य हेतोः। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, पर जो ये नाम और रूप है वो आभास मात्र है। पांच तत्वों से बना ये शरीर तुम नहीं हो, फिर तुम किस लिए रो रहे हो? सत्यकाम, आओ सत्यकाम, आज से मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करूंगा। आज तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, आज से मैं तुम्हारा आचार्य। ये लो ब्रह्मदंड,
और मुझे वचन दो कि आज से तुम शास्त्रों को धारण करोगे और उनकी रक्षा करोगे। जल में बूंद तो बूंद भी जल, आग में चिंगारी तो चिंगारी में भी आग, बूंद जल में, जल धारा में, धारा गंगा में, गंगा सागर में, तो सागर, सागर किस में? क्या बादल में, क्या आकाश में? बूंद फिर बादल में, बूंद फिर जल में, तो फिर मैं कहां से आता हूं, मैं कहां जाता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आकाश से बातें कर रहा है काका। नदी के दो तट हैं, तो क्या हमारा भी कोई दूसरा तट है? पगला देगा तू मुझे, ले पकड़ पत्तल का दोना। हमारे लिए यही पहला और यही आखिरी सच है, यही प्राण है, यही ईश्वर है। जल इसमें भी है, आग इसमें भी है, अगर यही प्राण और यही ईश्वर है तो फिर वो आकाश में भी है, धरती में भी है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, मुझसे ये सवाल न किया कर, मैं पागल होना नहीं चाहता, मुझे बचा ले माई। आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है, कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? सभी, मल्ला काका, घाट पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तू उनसे सवाल करना बंद कर दे। क्या मेरे न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तू फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। क्यों हूँ मैं एक दासी का पुत्र? उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कहते सत्यकाम। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं, विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों से छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ, तू उसे ढूंढ, वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है। काका। हाँ बेटा। ये घाट पे इतनी हलचल क्यों हो रही है? सुना है कोई बड़े आचार्य हरिदुमत गौतम गंगा पार से आ रहे हैं, शायद उन्हें लिवाने महाराज आए होंगे। खबरदार, जो तू उनके आसपास भी फटका।
वर्चस्य मायुष्यम् आरोग्य मा विधात् पवमानं महियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं अस्तु दीर्घमायुः। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत् सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। उठो आयुष्मान। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु यह निवेदन तुम्हारे पिता को मुझसे करना चाहिए था। मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। क्या अब भी तुम? हाँ, मैं अब भी दासी हूं। कभी मालाएं गूंथ कर, कभी जमीन लीप कर, तो कभी जल भरकर अपना निर्वाह कर लेती हूँ। दुख और अभाव को पास भटकने नहीं देती, क्योंकि संतोष को मन के आंगन से छटकने नहीं देती। माँ, क्या हुआ? माँ, मेरे पिता, कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। संभव है वे मुझे अपना शिष्य बना ले। सत्यकाम, जाओ जाकर आचार्य गौतम से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। मैं तुम्हारा निर्णय सुनना चाहता हूँ जाबाला। आर्यक, मैंने अपने किसी भी संबंध को कभी कलंकित होने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी इच्छा से स्वीकारे हुए निर्णय थे। उन्हें नकार कर मैं लज्जित नहीं होना चाहती, और ना ही सुख के संबंधों के लिए दासता स्वीकार करना चाहती हूँ। दासी हूँ कर्म से। तुम्हारे साथ सुख के कुछ क्षणों के लिए तुम्हारी दासी नहीं बनना चाहती। स्वीकार कर सको कि तुम्हारे पत्नियों के सामने तुम्हारा और मेरा सुख और दुख का संबंध? मेरा विश्वास करो आर्यक, जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, पर वो निर्णय मेरा होगा, मेरा अपना। भोजन करोगे? आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। आचार्य, मेरी माता ने कहा है कि जाकर अपने आचार्य से कहना कि मेरी माँ ने कई लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना मेरी माता के लिए संभव नहीं है। मैं सत्यकाम जाबाला का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जाबाला का पुत्र? तेरी माँ को यहाँ कौन नहीं जानता? चल दूर हो जा यहाँ से। क्यों आचार्य के मार्ग को अपवित्र कर रहा है?
सत्यकाम। जा यज्ञ की संविधा ले आ। आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा आचार्य। हाँ? आज से तू जबाला का पुत्र हरिद्रुमद गौतम के शिष्य के रूप में जाना जाएगा। जा जल्दी जा, तेरे उपनयन संस्कार के लिए यज्ञ की संविधा ले आ। ये कैसे संभव है? एक दासी के पुत्र का उपनयन संस्कार संभव नहीं है। सत्यकाम का उपनयन संस्कार आचार्यों के बीच बहस और विरोध का मुद्दा बन गया। दासी पुत्र नहीं वैश्य पुत्र कहो। अनेक लोगों से संबंध रखने वाली को कोई और विशेषण दिया जा सकता है क्या आचार्य? असमंजस में पड़े विद्वान एक साथ अपनी बात लेकर राजा पालक के पास पहुँचे। हे राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय शास्त्र करते हैं, पर उनका पालन आप करवाते हैं, इसीलिए राजा राज दंड धारण करते हैं। आचार्य गौतम ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं, फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध ये निर्णय कैसे ले लिया? हे राजा पालक, इस प्रश्न से हम सभी व्यथित हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि आचार्य गौतम से यह प्रश्न आप ही करें, क्योंकि आचार्य गौतम से प्रश्न करने के लिए हम अभी योग्य नहीं हुए हैं। सदा सुखी रहो। आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी आचार्य। राजन, प्रश्न? आचार्य, एक प्रश्न उमड़ रहा है मन में। राजन, जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रश्न करो। आचार्य, जिसके पिता का पता नहीं, क्या उसका उपनयन संस्कार संभव है? क्या उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है? राजन, कुछ प्रश्न व्यथित करते हैं, पर वे जरूरी होते हैं। कितनी माताएं अपने अतीत के अनकहे संबंधों को स्वीकृति दे सकती हैं? सत्यकाम की माता ने सिर्फ सत्य को धारण किया और सिर्फ सत्य को कहा। सत्य के गर्भ में सिर्फ सत्य होता है। जो सत्य कह सके, सत्य सुन सके, सत्य धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही हो सकता है जिस क्षण सत्यकाम ने अपने जीवन के सत्य को कहा। उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा। प्रजापालक, निजी सच, नैतिक सच, सामाजिक सच की व्याख्याएं बदलती रहती हैं, परंतु एक सच जो कभी नहीं बदलता, उसकी खोज करने वाला, सच के साथ सहज रह सकने वाला सत्यकाम जैसा ही हो सकता है। इसीलिए मैंने उसे ब्रह्म विद्या के लिए योग्य विद्यार्थी माना। ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप नहीं, ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र शर्त होनी चाहिए। क्षमा आचार्य, आपका अपराधी हूं मैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तिय, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। वो जिसकी कोई जाति, कोई कुल, कोई परिवार नहीं, वो जिसका कोई नाम और रूप नहीं, वो जिसमें कोई गुण और दोष नहीं, वो जो ब्रह्मांड, समय और इंद्रियों से परे है, वो ब्रह्म तुम ही हो। रसिकों, क्या आप अपने जीवन के अनकहे सच के साथ सहज हैं, स्वस्थ हैं? क्या असत्य हमें अस्वस्थ बनाता है और सत्य स्वस्थ? प्रश्न करो।
प्रश्न करो, उसी में उत्तर है। देखिए अगले प्रकरण में आश्रम व्यवस्था का दूसरा आश्रम यानी गृहस्थाश्रम। कथा आश्रमों में सबसे रसमय आश्रम की, कथा महाकवि माघ और उनकी पत्नी विद्यावती की। यस्य प्रसादात् स्वरूपः।